रवि जी, आज आपके एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट में पेपर था, आप उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच यहाँ पे किए थे, तो आप पिछले 4 से 5 महीना एक्सीड कोचिंग में पढ़ रहे हैं प्रयागराज में, तो आप ये बताइए कि आज आपकी जीडी का पेपर सेकंड शिफ्ट में था, तो जो आपने यहाँ पे विवेक सर, मैं आपको मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, अंकित सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, और अविनाश सर की पूरी टीम जो एक्सीड में जीएस पढ़ाती है, और कुलदीप उपाध्याय सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप बच्चे देखिए सामने आपके बैठे हुए हैं, आपको सीधे सीधे बच्चों को बताना है कि क्या आपने जो एक्सीड में पढ़ा कि आपको एग्जाम में मिला कि नहीं मिला, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है रवि जी। इसे जो मैं मैथ पढ़ा बी एस द्वारा, इसे 2 क्वेश्चन एलसीएम का था, एलसीएम जो चला है, और 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस था, और 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, मतलब आपको इतना याद, इतना याद। और बाकी आपने जो पढ़ा था उससे मिलता जुलता था कि नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन रीजनिंग में, रीजनिंग में सर जैसे ब्लड लेसन से क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन आया था, और मिसिंग मतलब मिलते जुलते थे ना, क्वेश्चन मिलते थे हिंदी से मतलब 20 क्वेश्चन मिलते थे, जीएस से 2 क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया था, और रोजगार एंसर था, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें आपको गया था आपको 4 से 5 में पूरा पड़े, पूरा मिला, रीजनिंग थोड़ा मतलब घुमाया, रीजनिंग आपने घुमाई। चलिए, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक्सीड परिवार आपके साथ कैसा 4 से 5 महीने मेहनत किया है, जो कि बच्चे आप एक्सीड के द्वारा जाने सर 4 से 5 महीने बहुत अच्छा, मतलब हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं, और आप सब जो है मतलब अभी रिवीजन करिए, मतलब सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट मारिए, तभी हो पाएगा, मतलब ये लगातार रिवीजन करते रहे, यहाँ पे जो मैटर जो चीज पढ़ाया गया पर है बहुत बड़ी उपलब्धि है परिवार के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।